बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। पहाड़ी भजन चोहिया मन झूठो छद माणो। मन झूठो छद माणो। हिते को न रहो कोई थियो सब जो लानाणो। हिते को न रहो कोई थियो सब जो भारा। जिन कोट अजा भारा। हुया सूर्य बलवारा। हुया सूर्य बलवारा। हिते की नरया से भी सरी अग्न थिया चारा। हिते की नरया से भी सरी अग्न थिया चारा। जे कलावान का मिल। जे कलावान का मिल। ओहया बचा से भी थिया धरती में दाखिल। हिते की न बचा से भी थिया धरती में दाखिल। जे सुंदर सुहारा। हिते की नट क्या से भी व्या पूछ करे सारा। हिते की नट क्या से भी व्या पूछ करे सारा। जे दाता वादानी। तपसी हुया ध्यानी। ऐ तपसी हुया ध्यानी। हिता टेऊ व्यासे भी जग जान सजो फानी। हिता टेऊ व्यासे भी जग जान सजो पानी। मन कूड़ो छद माणो। मन झूठो छद माणो। ओ
मन झूठो छद माणो को न रहो कोई थो सब जो लादाणो हित को न रहो कोई थो सब जो लादाणो राग पहाड़ी भजन 24 मन झूठो छद माणो हे मेरे मन व्यर्थ का मिथ्या अभिमान छोड़ दो। इस भजन में पहाड़ी राग के सुमधुर वाणी में गुरु महाराज जी सुंदर शिक्षा भक्तों को दे रहे हैं कि व्यर्थ का अभिमान छोड़ो। तुम्हारा क्या है, शरीर भी तुम्हारा नहीं, संसार के पदार्थ तो दूर हैं, लेकिन सबसे पास है शरीर, वो शरीर भी तुम्हारा नहीं। हित कौन रहो कोई थो सब जो लादाणो, जो भी इस संसार में आता है उसको संसार से जाना ही पड़ेगा। जिन कोट अजा भारा होया सूदेह बलवारा, हित कीन रया से भी सड़ी अंत थिया छारा। जिन्होंने बहुत भारी किले बनाए थे अपने को सुरक्षित करने के लिए, बहुत जो बलवान थे, शारीरिक बल जिनको प्राप्त था, वे भी इस संसार में न रहे और अंत में जल करके अग्नि में भस्म हो गए। सामी अड़ा लोक व्यालदे संसार मा, होया जिन जे हथ में रिद्ध सिद्ध जहड़ा थोक, काल करे थो सबके फुरे समय सा फोग, तू की हमारे झोंक बैठे विसारे राम के। स्वामी साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां थी वे भी इस संसार से चले गए, और तुम यहाँ पे जम करके बैठे हो तो तुम्हारा भी ये पक्का ठिकाना नहीं। वही बात गुरु महाराज जी कह रहे हैं, जे कलावान कामिल होया आमिल आलिम ए आकिल, जो बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे थे, कलाकार थे, कामिल थे, वे भी इस संसार से चले गए। जिनके पास सब शक्तियां थी उन शक्तियों को प्राप्त करके भी वे संसार में स्थिर न रह सके। हित कीन बचा से भी थ्या धरती में दाखिल, वे भी इस संसार में न रहे, धरती में समा गए। जे सुंदर सुंहारा होया जग जा सिंगारा, जिनके शरीर की अत्यंत सुंदर शोभा थी, लावण्यमयी जिनका शरीर था और संसार में जिनका प्रसिद्ध नाम था, हित कीन टिक्या से भी व्याकूच करे सारा। ऐसे सुंदर शरीर को धारण करने वाले भी इस संसार में नहीं टिके, यहाँ से चले गए। जे दाता हुआ दानी ए तपस्वी हुआ ध्यानी, ध्यान करने वाले तपस्वी और दान देने वाले बड़े बड़े दातार, जिन्होंने बहुत दान किया, हितान टेंग व्यासे भी जग जान सजो फानी, वे भी इस संसार से चले गए। ये जगत नश्वर है, तो संसार की नश्वरता का बोध गुरु महाराज जी इस अमृतमय वाणी के भजन के द्वारा करा रहे हैं। अमरापुर वाणी पढ़तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी, भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत
ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके
उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।